नमस्कार सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का स्वागत है आज की एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बिहार आंगनवाड़ी से जुड़ी दो ऐसी महत्वपूर्ण खबर को दिखाने जा रहे हैं जो आप सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को जानना बेहद ज़रूरी है। साथ ही साथ जो आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएँ लगातार धरना प्रदर्शन करते आ रही हैं, वहीं पे सुनने में आ रहा है कि कई जगहों पे जो परियोजनाएं की जो आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं हैं वो अपना धरना प्रदर्शन तोड़कर जो है कि अपने आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन कर रही हैं, तो ये बहुत ही बेहद दुखद घटना है। क्योंकि जो आप लोगों ने लगातार डेढ़ महीने से धरना प्रदर्शन की हैं, लगातार जो लाठियां खाई हैं, पानी के बौछारे आप लोगों पे किया गया, लगातार प्रेशर भी आप लोगों को ऊपर से आता रहा, इतना सारा कुछ करने के बाद जो आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएँ हैं एकजुट नहीं रहेंगी, तो आप लोगों का जो हड़ताल है वो यहाँ पर आप लोगों की मांग जो है वो नहीं पूरी हो पाएगी। आप लोगों के परियोजना में क्या चल रही है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जैसे कि यहाँ पे बिहार राज्य के जो संघ के लोग हैं वो अपनी ओर से बेहद प्रयास कर रहे हैं कि हड़ताल ना टूटे, आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का मांग जो है वो पूरा हो सके। इसके लिए संघ के जो भी लोग हैं वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को दिखाया था कि जो बिंदेश्वर कुमार जी हैं उन्होंने अपनी संघ के लोगों के साथ मिलकर जो ICDS निदेशालय है वहाँ पर पत्र भी भेजा है कि जिन सेविका सहायिकाओं पर चयन मुक्ति का आरोप लगा है उसको रोका जाए। इन सभी चीज़ों के बारे में जो है कि संघर्ष अपनी ओर से प्रयास कर रहा है, लेकिन कई जगहों पे सेविका सहायिकाएं आंदोलन को तोड़कर, हड़ताल को तोड़कर जो है कि अपनी आंगनबाड़ी केंद्र को संचालन कर रही हैं, ऐसी खबर सुनने को मिल रही है। देखिए यहाँ पे बैठक में क्या निर्णय लिया गया है, आइए आपको दिखाते हैं। बैठक में सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं, जैसे कि कार्य प्रतिवेदन में जो कुमार बिंदेश्वर सिंह जी हैं उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी आंदोलन के इतिहास में एक नया अध्याय बनेगा, एक नया कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा जो अब बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। शायद आज़ादी के बाद पहली बार बिहार की राजधानी पटना में महिला व अभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का यह पहला ऐतिहासिक संघर्ष हुआ। और चार दिनों यानी कि 96 घंटे का जो आप लोगों ने पटना में जो घेरा डालो डेरा डालो का कार्यक्रम किया, उसमें पुलिस प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठी जमकर लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन की भी बौछार की गई जो आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं झेली हैं। और इस प्रकार से जब आप लोग सुनती हैं ऐसी खबरें कि कहीं पे आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन शुरू हो गया, तो बहुत ही दुखद घटना है कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं में अब एकजुटता दिखती हुई नज़र नहीं आ रही है। आपके परियोजना में क्या चल रहा है, कि क्या आप लोग हड़ताल से वापस आ चुके हैं या अभी आप लोगों का हड़ताल जारी रहेगा, ये सारी चीज़ें जो भी है आप कमेंट करके बताइएगा। हज़ारों हज़ार लोग घायल हुए हैं, दर्जनों के माथा फट गया, दर्जनों का हाथ पैर टूट गया। मैं ये खबर इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका एकजुट हो, ताकि आप लोगों की जो मांग है वो मांग पूरा हो सके, ठीक है। और जहाँ पे जो सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार लाखों लाख बेटियाँ जो अपना हक और अपने अधिकार मांगने आई थी उन्हें चीरहरण करते हुए अपमान का तोहफा दिया है, इन सबको भी आपको याद रखना है और अपनी मांगों को लेकर एकजुट रहना है, ठीक है। और यह भी सुझाव दिया जा रहा है कि किसी भी कीमत पर विचलित न होवें, सरकार हर तरफ से डराने धमकाने का काम कर रही है और करेगी भी, परंतु आप लोगों सहित अभिभावक बंधुओं से भी आग्रह किया जाता है कि आप लोग जिस तरह बहादुरी के साथ संघर्ष कर रहे हैं, धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहे हैं, लड़ाई में जीत आपकी सुनिश्चित है, अन्यथा थोड़ा बहुत भी कहीं चूक हुआ तो फिर से जीती हुई बाजी हार में बदल जाएगी। जी हाँ, इतने महीनों का जो प्रयास हुआ है अगर आप लोग इसमें थोड़ा सा भी भूल चूक करते हैं तो जो भी आप लोग जीती हुई बाजी है वो फिर से हार सकते हैं, फिर से मौका नहीं मिलेगा आप लोगों को आगे आंदोलन करने का। जब अभी सरकार नहीं सुनेगी तो फिर बाद में भी आप लोग सोचेंगे कि सरकार हमारी बात को सुन ले, तो फिर से वो सुनने वाली नहीं है। यह भी अनुरोध किया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्र का ताला किसी भी कीमत पर नहीं खुलना चाहिए। जो सेविका सहायिकाएँ या अभिभावकों जैसे कि महानुभावों को चयन रद्द चयन मुक्ति के नाम से भयभीत हो रहे हैं, उनसे भी निवेदन है कि थोड़ा बहुत भी डरने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप कोई चोरी डकैती नहीं किए हैं। चयन रद्द या चयन मुक्त से वापसी कराने तक के लिए संघर्ष समिति संकल्पित है। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि शांतिपूर्ण ढंग से आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेगा। बैठक में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के वैसे तमाम दलों को बधाई और ढेरों सारी हार्दिक शुभकामनाएं समर्पित किया गया जो आंगनबाड़ी की मांगों को सदन के अंदर और सदन के बाहर सरकार के विरुद्ध आवाज बुलंद करने का काम किया है। नीचे यहाँ पे देख सकते हैं जो कुमार बिंदेश्वर सिंह जी हैं, अनिता झा, कुमारी रंजना, प्रतिमा कुमारी, ये सभी लोगों का सपोर्ट आप लोगों के साथ है। अभी आप लोगों का हड़ताल जारी रहे हमें यही उम्मीद रहेगी, ठीक है।
और साथ ही साथ दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं 17/11/2023 आज की ही लेटेस्ट खबर है। जैसे कि एक जिले से एक परियोजना से खबर आ रही है कि BDO ने सेविका के साथ बैठकर चुनाव कार्य करने का निर्देश भी दिया है। देख सकते हैं आप लोगों के ऊपर काम का प्रेशर तो बना ही रहेगा, अगर आप लोग अपना हड़ताल तोड़ देंगी तो सरकार जो भी है आप लोगों से काम करवाती रहेगी और आपको उतने ही मानदेय में ये सारा काम करना पड़ेगा। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है, प्रखंड परिसर स्थित मनरेगा भवन में गुरुवार को BDO डॉक्टर कुंदन ने सेविका सहबीलों के साथ बैठकर चुनाव कार्य को संपन्न करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि हड़ताल के कारण प्रखंड के 95 सेविका सहबीलों का कार्य शून्य है। उन्होंने बताया कि चुनाव कार्य नहीं करने वाले सभी सेविका सहबीलों पर नोटिस जारी किया जाएगा। यदि जल्द चुनाव कार्य पर नहीं लौटती है तो अधिनियम 1950 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 2 वर्षों की सजा और जुर्माना का प्रावधान भी रखा गया है। इसके बाद चयन मुक्त करने की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी कर्मी को 3 काम में बाधा नहीं पहुंचाना है, जैसे पहला काम आपदा में, दूसरा चुनाव और तीसरा जनगणना भी शामिल है। जैसे कि इन सारी कामों में सेविकाओं को हर हाल में काम करना है, ऐसा BDO साहब बता रहे हैं। लेकिन BDO ने बताया कि सेविका सहबीओ ने आश्वासन दिया है। वही सेविकाओं ने निदेशक ICDS को निर्गत पत्र दिखाते हुए कहा कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को बाल विकास सेवाओं की योजना के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य कराने का आदेश नहीं है। जैसे कि सेविका सहायिकाओं द्वारा एक बार ICDS को नोटिस भी भेजा गया है कि जो भी सेविका सहायिकाएं हैं वो सिर्फ आंगनबाड़ी का ही कार्य करेंगी, ICDS का ही काम करेंगी, ICDS के अलावा जो भी कार्य है वो नहीं करेंगी। इस बैठक में CDPO किरण बाला दिवाकर, BCO अमित कुमार, जो भी ये लोग मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि जो भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं हैं उनको फिर से चुनाव कार्यों पर लगाया जाएगा। तो इस प्रकार की खबर अलग अलग जिलों से निकल के आ रही है। आप लोग अपना कमेंट, अपना राय जरूर दीजिएगा कि क्या आप लोगों का हड़ताल जारी है, क्या आप लोगों को फिर से चुनाव कार्य करना है। इन सभी चीज़ों के बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।